नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, हमारा देश जहाँ एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। अब इसी बीच पीएम ने भी बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ बहुत बड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे पीएम ने राज्यों से की टेस्टिंग बढ़ाने की अपील, बोले अपनाए 72 घंटे वाला फॉर्मूला। साथ ही बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा होगा। वहीं पुतिन का ऐलान, रूस ने बना ली दुनिया की पहली वैक्सीन, बेटी को भी दी गई। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे दुनिया भर में कोरोना केस 2 करोड़ पार, लेकिन WHO के बयान से जगी उम्मीद। वहीं दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का दावा। साथ ही बताएंगे आधार कार्ड में कब क्या बदला, ऑनलाइन मिलेगी हर जानकारी। वहीं अटल पेंशन योजना से जुड़े ग्राहकों को हो सकता है नुकसान, जाने कैसे। साथ ही बताएंगे खुद को गूगल सर्च में ऐड कर सकते हैं, भारत के लिए आया ये फीचर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास ही में घंटी का एक छोटा सा बेल आइकन दिया गया है, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 22,71,034 के पार हो चुका है, और 45,383 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 15,83,652 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,49,512 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,02,75,611 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक सवाल पूरे देश में बना हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य सरकार ही तय करेगी। बहरहाल केंद्र सरकार से मिले ताजा इशारे के अनुसार 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएं। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत 10वीं और 12वीं कक्षाओं से होगी। पहले 15 दिनों तक तय व्यवस्था के साथ इन बच्चों के स्कूल शुरू होंगे, और स्कूल सिर्फ 5 से 6 घंटे लगेंगे, और इनमें सिर्फ 2 या 3 घंटों के लिए ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। अब तक की बड़ी खबर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सेदार माना। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के फैसले में ये साफ कहा गया है कि ये उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा, बेटियां हमेशा बेटियां ही रहती है, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे होते हैं। यानी 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई है तो भी बेटियों का पिता की संपत्ति में बेटे या बेटों की बराबर ही हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए ये साफ कर दिया है कि 5 सितंबर 2005 को संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था। इसके अनुसार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना था। ऐसे में 9 सितंबर 2005 को ये संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा हो, तब भी हिस्सेदारी में बेटियों को शामिल होना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर,
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बन गई है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वैक्सीन है जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। जानकारी के अनुसार इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। मंगलवार को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दिया। इसी के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा भी ऐलान किया है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती हुई है, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई। आर्मी हॉस्पिटल में मंगलवार को जारी बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी स्थिति नाजुक है, वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। बुलेटिन के अनुसार प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालात में 10 अगस्त 2020 को दिन में 12:07 पर दिल्ली कैंट स्थित सेना अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच में पता चला कि उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमा है। इमरजेंसी में सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। मेडिकल जांच में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को पीएम की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। पीएम ने कहा, बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने कहा, एक्सपर्ट्स भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटों में केस की पहचान हो जाए तो जान बच सकती है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, अब इसी 72 घंटे के फॉर्मूले पर फोकस करना होगा। जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके 72 घंटे में जितने भी लोग उसके संपर्क में आए हैं, उनकी टेस्टिंग होनी जरूरी है। दिल्ली यूपी में हालात डराने वाले थे, लेकिन अब टेस्टिंग बढ़ाने के बाद हालात सुधरे हुए हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पुनावाला का कहना है कि देश को इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी वैक्सीन उत्पादन का करार किया है। सीएनबीसी टीवी 18 को दिए इंटरव्यू में पुनावाला ने कहा, उनकी कंपनी दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगी। पुनावाला ने कहा, हम 2 हफ्ते के अंदर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रायल ICMR के साथ साझेदारी में किया जाएगा। हम अगस्त के अंत तक वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर देंगे। 7 अगस्त को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन संगठन गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया। दोस्तों, वीडियो में अभी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। देश में मॉनसून के एक्टिव होने से मिजाज मौसम का लगातार बदल रहा है। अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। IMD के अनुसार अभी बारिश का प्रकोप जारी रहेगा। IMD ने दिल्ली NCR समेत उत्तरी राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार बुधवार तक दिल्ली NCR के आसपास मॉनसून रहेगा। IMD का कहना है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं पहुंचेंगी, लिहाजा यहां पहले अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया, मंगलवार को दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। बिजली भी चमकेगी और शाम तक तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके साथ ही ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव 80.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर पर है। IOCL के वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WHO ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से जंग में अभी उम्मीद की किरण बाकी है। WHO का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने के बाद से अब तक 7.5 लाख लोगों की जान चली गई है। WHO के निदेशक टेड्रस अदनोम ने जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं जानता हूं, आप में से बहुत लोग काफी दुख में हैं। पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे पास अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। फिर चाहे वो कोई देश, क्षेत्र, शहर या कोई कस्बा ही क्यों ना हो,
कोविड 19 को रोकने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। टेड्रस ने कहा, साउथ ईस्ट एशिया के देश न्यूजीलैंड, रवांडा, कैरिबियन और प्रशांत के द्वीप भी वायरस से जल्द ही निजात पाने में सफल हुए हैं। वहीं देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल ने अपनी नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का परिचालन 12 अगस्त तक बंद किया, लेकिन इसे भी चर्चा थी कि अब इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी रेगुलर ट्रेन्स के 30 सितंबर तक कैंसिल होने की रिपोर्ट गलत है। रेल मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया। मंत्रालय ने कहा, स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, मीडिया के कुछ सेक्शंस में ऐसी रिपोर्ट है कि रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेन को 30 सितंबर के लिए रद्द कर दिया है। ये रिपोर्ट गलत है। रेल मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने भारत में वर्चुअल बिजनेस कार्ड फीचर लॉन्च किया है। ये एक तरह का गूगल सर्च फीचर है जिसके तहत लोगों की ऑनलाइन प्रेजेंस और उनका बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। कंपनी ने कहा, गूगल ने पीपल कार्ड नाम का ये फीचर सबसे पहले भारत में लॉन्च किया। चूंकि भारत में दुनिया भर में इंटरनेट यूज करने के मामले में ये दूसरा देश है, गूगल सर्च में भी अब आप खुद को ऐड कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है गूगल सर्च में फीचर होने के लिए आपके पास ब्लॉग, वेबसाइट या फिर यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए। गूगल ने एक स्टेटमेंट में कहा है, ये नया फीचर लाखों इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस करने वाले, फ्रीलांसर्स या कोई और जो खुद को सर्च में डिस्कवर करना चाहते हैं, उन्हें हेल्प करने के लिए बनाया गया है ताकि लोग उन्हें ढूंढ सके। आज से भारत भर में यूजर्स अपने मोबाइल फोन से लोगों को डिस्कवर कर पाएंगे। बड़ी खबर, पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, क्या खास तौर से पेंशन अकाउंट होल्डर्स के लिए है? SBI ने कहा है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है, इससे 54 लाख पेंशनकर्ता को फायदा मिलेगा। बैंक के पास केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे कि रेलवे, डिफेंस, डाक, टेलीकॉम और सिविल डिपार्टमेंट से करार है। कई राज्य सरकार के विभाग और दूसरे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की भी पेंशन इस बैंक से प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.pensionseva.sbi पर विजिट करना होगा। सबसे पहले आपको 5 कैरेक्टर की यूजर आईडी बनानी होगी। उसके बाद आप अपना पेंशन अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पेंशन का पेमेंट करने वाले बैंक का ब्रांच कोड डालना है, जो आपने ब्रांच में रजिस्टर मेल आईडी दी थी उसे दर्ज करें। अब नया पासवर्ड डालकर इसे सेव कर ले। इस तरीके से आप इस साइट पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। वही अगर आप भी अटल पेंशन योजना के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके काम की है। योजना से जुड़े ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले APY करना होगा, अन्यथा आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने जून 2020 तक अटल पेंशन योजना योगदान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा को बंद कर दिया था। इसके बाद 1 जुलाई से फिर से इस सुविधा को शुरू किया। इसके लिए सरकार ने ग्राहकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। ऐसे में पेनल्टी से बचने के लिए पेंशन खाते को रेगुलराइज करें। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद उन्हें जुर्माना देना होगा। जिन ग्राहकों ने पहले ही अपने अकाउंट को नियमित किया है, उन्हें फिर से करने की आवश्यकता नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण सड़क योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में 1,50,000 किलोमीटर नई सड़क बनाने का मेगा प्लान तैयार किया। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए राशि खर्च करने की योजना है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को PM सड़क ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या फिर उससे ज्यादा आबादी वाले, यानी कि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव पर सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासिक सड़कों से जोड़ना है। PM ग्रामीण सड़क योजना के फेज 4 की तैयारी है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में PM ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण PMGSY4 को लॉन्च करने का रोड मैप बनाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।